वेलकम टू स्कूल टाइम। आज है 27 अप्रैल 2023। हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जीरो शेडो डे का अनुभव किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बात करते हैं बेंगलुरु के बारे में, तो बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। कर्नाटक की राजधानी, अब बात करते हैं कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक के सीएम हैं बसवराज बोम्बई। बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। हाल ही में कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। अड्डे का उद्घाटन किया गया है। कर्नाटक में अमृत नगरोत्थान योजना शुरू की गई है। अमृत नगरोत्थान योजना शुरू। हाल ही में कर्नाटक में 108 नम्मा क्लिनिक खोले गए हैं। नम्मा क्लिनिक खोले गए हैं। कर्नाटक में हेलीकॉप्टर कारखाना स्थापित किया गया है। हेलीकॉप्टर कारखाना स्थापित। कर्नाटक में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू। अलायंस शुरू। हाल ही में बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुलेगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मनाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर एन रवि। आर एन रवि। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने तमिलनाडु में पुदुमई पे योजना शुरू की है। पुदुमई पे योजना शुरू। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च। तमिलनाडु आरटीआई की जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। आरटीआई की जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला। तमिलनाडु में ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की गई है। ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की गई। लॉन्च की गई। तमिलनाडु
तमिलनाडु में नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की गई? नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए योजना शुरू। तमिलनाडु में G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी मिली है। ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी मिली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने कहां बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। अब बात करते हैं ओडिशा के बारे में। तो ओडिशा दिवस मनाया जाता है, ओडिशा या उत्कल दिवस ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। और ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। ये करेगा 2023 में, जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। अब बात करते हैं ओडिशा के सीएम। तो सीएम है नवीन पटनायक। और ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा सरकार ने लंपी रोग हेतु निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की थी। ओडिशा सरकार ने लंपी रोग हेतु निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की। पंद्रहवें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक ओडिशा में हुआ। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। सीएम नवीन पटनायक ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। ड्रोन लॉन्च किया है।